उन्हें एक भी रानी में से संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर राजा अपने गुरु वशिष्ठ के ये देखो, ये ना सब रात के बज रहे हैं इस टाइम 3 है ना, और ये सब सजावट जो की है ये किया सब हमने। ये खड़े हाँ, ये है गाड़ी है ना हमारी, और मंदिर पे हैं हम इस टाइम, काली के मंदिर पे। तो ये सजावट जो की है वो हमने की है ना सब, और भी बहुत सारी सजावट रह गई है। बाकी ये सामान हमारा ढक के हमने रख दिया है क्योंकि रात के बज रहे हैं 3 और खाना खाया नहीं है बिल्कुल। आज है 21 तारीख। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं, और सजावट बताना कैसी लगी है ना। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग। और देखो ये चीज़ रह गई है, अभिषेक भाई ला रहे हैं, 3 जने हैं हम, अभिषेक भाई हैं, पंच भाई हैं और मैं हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम। तो आज है 22 तारीख, श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा, और आज वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखिएगा सब चल रहा है, फंक्शन बैठे हुए हैं, ये सब साउंड सेटअप सब लग चुका है जो कि राइट ढका हुआ था। और ये अभिषेक भाई हैं और ये रहे हम हमारे साथ खड़े हुए हैं, और अभी और लाइटें लगानी बाकी हैं तो लाइटें लगाते हैं बाकी। और ये रहे मानव भाई अपने बिल्कुल अपने मतलब सबके लिए वो करते हुए। तो चलिए आगे चलते हैं, और आज इतने भंडारे हो रहे हैं, घर पर खाना बनाने की जरूरत नहीं। चलिएगा, जय श्री राम। भाई आप रात को चेक करना, बिल्कुल रात को चेक करना कि रात को ऐसा लग रहा लाइटिंग बहुत गजब की गई है। बाकी बताना आप कैसे कैसी लगी लाइटिंग आपको। चलिए आगे चलते हैं और आपको आज का ब्लॉग दिखाते हैं। भाई ये रहा साउंड जो बंद भाई ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब अपना पलटा। भोले दास भज अति सोहे, तीनों रूप निरखता शिव बे क्या हाल भोले अति चातुर, नाम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, खोज रूप दर्शिया। आरती वगैरह होने के बाद यहाँ पर होगा भंडारा, जिसकी तैयारियाँ भी चल रही हैं। आगे चलते हैं इसके साथ, पंगा नहीं गई हैं रंगोलियाँ, आप देखना कितनी अच्छी लग रही हैं। ये लिखा हुआ है जय श्री राम है ना, बाकी देखो आप। अरे भंडारा खाना भोग बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं और अभिषेक तो मैंने चलनी है कहीं, तो और होगा वहीं खाएंगे। मुश्किल से आलू पूड़ी, 2 पूड़ी आलू मिली इतनी भीड़ में, पूड़ी मारो खत्म हो रही है अभिषेक भाई। 2 पूड़ी 2 आलू लगी थी थोड़ी सी, वो भूख सी मीठा खाने का मन करता था, हम दे रहे हैं यहाँ से गजक, थोड़ी सी गजक खाएंगे फिर उसके बाद चलेंगे सीधे मंदिर। तो हम कर रहे थे यहाँ इंतजार, क्योंकि आज शाम का है डीजे और फ्लैक्स बोर्ड के लिए, फ्लैक्स बोर्ड वाला हमारा आने वाला है, उसका इंतजार कर रहे थे। डांस हो रहा महिलाओं का यहाँ पे, गाना वगैरह बंद भाई ऑपरेटिंग कर रहे हैं, अवधपुरी यानी अयोध्या में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के एक राजा राज करते थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, परंतु दुर्भाग्यवश उन्हें एक भी रानी में से संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन दुखी होकर राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। महामुनि वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने को कहा।
यज्ञ के परिणाम स्वरूप राजा दशरथ को चार पुत्र प्राप्त हुए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में चारों भाई बड़े होते चले गए। सबने साथ साथ ही सभी आवश्यक विद्याओं में निपुणता प्राप्त की। महर्षि विश्वमित्र के आश्रम में जब कभी भी जाप यज्ञ होते तो दान प्रवृत्ति के मारीच और सुबाहु उपद्रव मचाते, ऋषि मुनियों को आतंकित करते। ऐसे राक्षसों से मुक्ति दिलवाने के लिए विश्वमित्र जी ने भगवान विष्णु से आग्रह किया। भगवान विष्णु ने दशरथ पुत्र राम का नाम सुझाया। इसके उपरांत भगवान राम ने अपनी शस्त्र निपुणता और ईश्वरीय कृपा से मारीच की मां तारका सहित कई अन्य राक्षसों का वध किया और सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि अगला निर्दय शो 8 बजे के टाइम स्टार्ट होगा।